नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है सबक्यूटेनियस, इसे एससी से डिनोट किया जाता है। ये भी इंजेक्शन का एक प्रकार है। तो चलिए इसके क्या डेफिनेशन है तो इसके समझ लेते हैं। तो ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज एन इंजेक्शन दैट गोज जस्ट अंडर द स्किन, यानी एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि चमड़े के नीचे लगाया जाता है, यानी त्वचा के जस्ट नीचे वाले भाग में इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। और ये कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंसर्टेड इनटू द हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस फैटी लेयर एट 45 डिग्री एंगल। हाइपोडर्मिस जो होता है, फैटी लेयर जो होता है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है, फैट वाले एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। कितने डिग्री एंगल पे, तो यह 45 डिग्री एंगल पे यह इंजेक्ट किया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का आप याद रखेंगे, 45 डिग्री एंगल पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। सो चलिए आगे समझ लेते हैं कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो इनके बारे में समझते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए हमें सबसे पहले यह याद रहना चाहिए कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सब हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर ही लगाना होता है, वो भी कितना डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल पे लगाना होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो आप जो है अपर आउटर आर्म्स जो होता है, बाहरी आर्म्स के जो बाहरी भाग होते हैं वहाँ पर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। एब्डोमिनल या पेट वाला जो भाग होता है वहाँ पर ज़्यादा फैट होता है जनरली, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और या फिर बुटोक्स वाले भाग जो होते हैं, जो हिप बोन के जस्ट नीचे वाले भाग होते हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, पिछले बार इंटरमस्कुलर में बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, तो आप इस वाले साइड में लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है। या फिर आप अपर आउटर थाइज में भी लगा सकते हैं, आउटर यानी बाहरी जो थाई होते हैं, थाई मसल जो होते हैं, उनमें भी लगा सकते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और एब्डोमिनल वाले भाग में भी लगा सकते हैं, पेट के चर्बी वाले भागों में, फैटी लेयर में लगा सकते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर में। चलिए आगे समझते हैं कि कौन सा इंजेक्शन सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है, तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन, वह सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आप इंसुलिन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओपोइड्स स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनके बारे में भी, उन मेडिसिन को भी दिया जाता है, या फिर किसी प्रकार के वैक्सीन हो गए, वैक्सीन क्लास की मेडिसिन है, तो वो भी मेडिसिन डालने के लिए भी आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कि टीटी इंजेक्शन हो गया, वो भी सबक्यूटेनियस दिया जाता है। हिपेरिन मेडिसिन होती है, वो भी सबक्यूटेनियस दिया जाता है। एपिनेफ्रिन नाम करके एक मेडिसिन आती है, जो कंपोजिशन होता है, वो भी मेडिसिन जो होता है सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और एलर्जिक मेडिकेशन जो होती है, एलर्जिक की जो दवाइयाँ होती, मेडिसिन होती है, वो भी आपको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। या फिर कुछ पेन किलर मेडिसिन भी होते हैं, वो भी आपको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। आगे आपको याद रहना चाहिए सबक्यूटेनियस हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर ही पड़ता है।